हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम का नौवां लेसन निर्भय बनो, जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका शॉर्ट में नाम रेणु है, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में एक अच्छे उपन्यासकार के तरीके से बहुत अच्छा नाम कमाया है। और ये निर्भय बनो जो लेसन है वो कितने चौराहे नामक उनका एक उपन्यास है, उनके वो उपन्यास में से ये एक अंश एक भाग लिया गया है, तो ये हमारे अभ्यासक्रम में है। और जिसमें आपको निर्भयता कैसे रखनी चाहिए और कैसे निर्भय बन के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए ये समझाया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन। लेखक का जन्म सन 1921 में हुआ था और उनका निधन सन 1977 में हुआ था। लेखक जो है वो एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। अभी ये आंचलिक कथाकार मतलब क्या, ये उपन्यास का प्रकार है, बराबर। तो ये आंचलिक कथाकार थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, जो वर्तमान बिहार है उसमें पूर्णिया जिला के गांव में हुआ था। ओके, उनकी शिक्षा दीक्षा गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। ओके, आगे देखिए, उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, बराबर, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जेल में भी गए बहुत बार। उस समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उनके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। आगे देखें, रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। मुखरता है मतलब के मिलता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदय तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है, बराबर। मनुष्य जीवन की सुरूपता और कुरूपता, यहाँ पे दो विरोधार्थी शब्द दिए गए आपको, सुरूप और कुरूप। ओके, तो सुरूपता और कुरूपता उसकी बात करी है कि मानवीय सहृदय तथा पूर्ण तटस्थता के साथ एकदम स्टेबल होके उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, और वो उनके लेखन शैली में मिलता भी है हमें। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है, जो ध्यान दौड़ने वाला है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे, जिसमें से ये लिया गया है कितने चौराहे, आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी। अग्निखोल, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। अभी पद्मश्री की उपाधि मिली थी उनको, वो किताब मिला हुआ है। तो जो अपनी बहुत सारी रचनाओं में अच्छी तरह से जो लिखते हैं और बहुत अच्छे लेखक कवि होते हैं, तो लेखन शैली में ऐसे व्यक्तियों को जो अच्छे से अच्छे लेखन शैली में सर्वोच्च हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित बहुत सारे ऐसे लेखकों को किया गया है, जिसमें से एक फणीश्वरनाथ रेणु भी है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के सातवां प्रकरण में से लिया गया है, बराबर, सेवेंथ जो उनका प्रकरण है उसमें से। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उनका चित्रण है। क्या बोलते हैं कि विद्यार्थी काल से ही, विद्यार्थी जीवन से ही ये जो एक कथानायक मतलब लीडर, जो स्टोरी का लीडर है, उसका नाम क्या है, मनमोहन, उसका एकदम झुकाव है। किस में झुकाव है, सामाजिक और मानवीय मूल्यों के प्रति, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा, देखते हैं। चलिए, पाठ की शुरुआत होती है प्रियोदा, जिसको प्रियव्रत भी कहते हैं। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं।
स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। वो छोटा सा एक कस्बा है, छोटा सा एक कस्बा, वहाँ पे सारे ही लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने के लिए निकलता है। बराबर क्या है यहाँ पे कि ये लोग क्या करते हैं, हर रविवार को सुबह बगल में झोली मतलब एक थैला लेकर सन्यासी आश्रम के लिए, एक सन्यासी आश्रम जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीमार और गरीब, वहाँ पे उन लोगों के लिए उनको खाना मिले उसके लिए ये लोग क्या वसूलने निकलते हैं, मुखिया वसूलने। अभी मुखिया वसूलना मतलब क्या, एक मुट्ठी भर अनाज, मुखिया मतलब मुट्ठी भर अनाज, ये लेने के लिए सारे लोग वो गांव में घूमते रहते हैं। किसके लिए, सन्यासी आश्रम के लिए, कभी अकेला कभी साथियों के साथ ये लोग घूमते हैं। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उनके घर पर हाजिर। स्कूल में भी कोई भी बीमार हो कि तुरंत प्रियोदा वहाँ पे चला जाता है अपनी साथी सबको लेकर, टीचर कोई बीमार हो या बच्चा कोई बीमार हो उसके घर चला जाता है उसकी सेवा करने के लिए। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। रोबी और कालू ये दोनों व्यक्तियों के नाम है और ये दोनों जन इसकी टीम में है, प्रियोदा की टीम में। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। उन लोगों ने क्या किया, मनमोहन को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। हर शनिवार को क्या होता था, परमान ये नदी का नाम है, परमान के उस पार दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे बालूचर पर, बालूचर ये एक जगह का नाम है, प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। मतलब शनिवार को स्कूल छूट जाए ना, बाद में सब इकट्ठा होते थे। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाता था। सब ये लोग बातें करते, गाते बजाते और दुनिया भर की खबर भी हासिल करते। रविवार का प्रोग्राम तय करते, प्रियोदा संजय का क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे जाना है मुखिया वसूलने के लिए, वो सब डिसाइड करते। किस मोहल्ले में कौन मुखिया वसूलने जाएगा, किस बीमार की सेवा कौन करेगा, ये सब वो लोग डिसाइड करते सैटरडे को। अब हर चीज़ का प्लानिंग तो करना पड़े ना, कोई भी आपकी छोटी सी टीम हो या बड़ी सी टीम हो, लेकिन हर एक चीज़ का प्लानिंग तो करना ज़रूरी है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। क्या कहते हैं, कालू ने उस दिन मनमोहन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा था प्रियोदा को कि ये जो मनमोहन है खूब तेज लड़का है और हमारे टीम का, हमारे क्लब का मेंबर होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के ऐसे एक आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार देते हैं। अभी ये लोग जो इनका क्लब है, इनकी जो टीम है, वो लोग रोगियों की सेवा करते हैं और गरीब और लाचार लोगों के लिए खाना इकट्ठा करने की व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए आप में कितना समाज सेवा की भावना है, कितनी वो भावना है, वो देखने के लिए प्रियोदा जो है वो मनमोहन को क्वेश्चन पूछता है। अगर आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ में आप मेंबर होना चाहते हो या कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपको इंटरव्यू तो देना पड़े ना, और इससे किसी व्यक्ति को एक जजमेंट हो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पे मनमोहन भी जो मेंबर बनना चाहता है इनके क्लब का, तो इसीलिए प्रियोदा इसको क्वेश्चन पूछता है कि भारतवर्ष का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सब भगवान मानते हैं। तो ये मनमोहन बोलता है महात्मा गांधी। फिर प्रियोदा बोलता है ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल होता है। तो मनमोहन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है वकील। सभी ठट्ठा कर हंसे, मतलब हंसने लगे सब, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहा, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो मनमोहन बोलता है सीख लेंगे, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। अभी क्या बोलता है प्रियोदा,
कि ठीक है तू सीख लेगा, पर अगर कोई रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा मतलब क्या, जिसमें रोगी को बहुत उल्टियाँ आती है, तो उसमें कई लोगों को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती करना। तो इसलिए पूछता है ये प्रियोदा मनमोहन को कि अगर कोई रोगी हो और वो हैजा से पीड़ित हो तो तू कैसे उसकी सेवा करेगा। तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। बराबर, हमने स्टैंडर्ड 8 में आपको पता ही होगा कि कैसे लेसन नंबर 4 रविशंकर महाराज पढ़ा था ना, तो उसमें वो कितने समाज सेवी थे कि जब कोलेरा का रोग निकलता है और सारे लोग ऐसे उल्टी और डायरिया हो जाता है, तो वो भी उनका डायरिया उल्टी भी रविशंकर महाराज साफ करते हैं। तो इसी तरह जो समाज सेवी होते हैं ना, उनको किसी भी बात से चीड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे प्रियोदा मनमोहन से पूछता है, तो मनमोहन चुप रहता है क्योंकि उसको हैजा के नाम से ही डर लगने लगता था। तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये प्रियोदा पूछता है, गाना जानते हो? वो बोलता है जी। और वो फिर प्रियोदा पूछता है तैरना? तो आगे देखिए, मनमोहन बोलता है जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, दूसरा एक व्यक्ति था सूर्य नारायण उनके दल में, उनसे कहा सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। ये प्रियोदा सूर्यनारायण को क्या बोलता है कि ये मनमोहन, मोना मतलब कौन, मनमोहन, ओके, मोना मतलब मनमोहन, वो तैरना नहीं जानता। तो वो सूर्यनारायण बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको एक दिन पानी में फेंक दूंगा ना तो खुद ब खुद तैरने लगेगा। और फिर सभी हंसने लगते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज़ 100 गैंग बैठक करता है, उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। क्या बोलता है प्रियोदा कि जो ये सूर्यनारायण है वो पढ़ने में एकदम कमज़ोर है, मतलब पढ़ने में उतनी रुचि नहीं है उसको, तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि बहुत एक्सरसाइज करता है वो, रोज़ 100 दंड बैठक करता है, और उसके सारे साथी उसको सूरज पहलवान के नाम से पहचानते हैं। और उसके दल में सारे जो लोग हैं जिसको तैरना नहीं आता, उसको तैरना सिखाना उसी का काम है, सूर्यनारायण का। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी कि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, लजाया मतलब क्या, लज्जित हुआ, शर्माया, ओके, लेकिन प्रियोदा ने जब आग्रह किया तब उसने गला खखार कर मतलब ऐसा करके गला साफ करके गीत गाने की शुरुआत की। क्या गीत गाया? ये गीत गाया, आप देख सकते हो यहाँ पे, राम रहीम न जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी, मतलब ईश्वर तो सब एक ही है, राम कहो या रहीम कहो, उसको जुदा अलग अलग नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना दिल अपना मन सच्चा रखना चाहिए, ओके। तो ये गीत गाता है। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दे। क्या बोलते हैं? अभी ये लोग प्रभात फेरी भी निकालते हैं। प्रभात फेरी मतलब क्या कि सुबह 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 4 बजे से लेके 7 बजे तक का समय, जिसमें लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं और सुबह सुबह सबको जगाते हैं, तो ये लोग प्रभात फेरी भी निकालते हैं। तो प्रियोदा बोलता है कि आप लोग इसको मनमोहन को गीत सिखा देना, क्योंकि उसका गला बहुत अच्छा है, मीठा है, सुरीला गाना गाता है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब शाम होने को आई है, बालूचर पर लाली उतर गई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शाम का वक्त हो गया था, तो
पखेरु दल बनकर बांस वन की ओर लौटने लगे। पखेरु दल, पखेरु मतलब क्या? पखेरु मतलब पंछी, बराबर। पंछी जो है वो अपने घर लौटने लगे और प्रियोदा के जो दल के सब सदस्य थे वो भी पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति बांधकर लौटना मतलब क्या? लाइन बनाकर वो भी वापस आए। पुल के पास, ब्रिज के पास एक गाड़ीवान, गाड़ीवान मतलब क्या? ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, वो गीत गा रहा, क्या गीत गा रहा था? भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन, ये हरियाणवी भाषा में गीत है। भोला गरीबक दिन पहिया हरब, भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज मतलब कौन? सूर्य नारायण जो सदस्य है वो। एक ताजे लोटा छल बेटा छल, तीन पनिया पिबेत, काल लोटा लेकिन छिन, काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंदन झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी, लाचारी टटठाई, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे देखें। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा कि ये जो बालूचर जो इलाका है वहाँ पे किसी की फायरिंग की आवाज़ आई, कोई शिकार कर रहा है और एक पखेरु मतलब एक पंछी नीचे गिरा है और छटपटाने लगा है, उसको गोली लगी है। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। उसके जो साथी हैं, उसके साथ में जो पंछी उड़ रहे थे वो भी रोने लगे। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डहने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। ऐसे अंधकार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और जो चिड़िया मर गई है उसके पंख को पकड़कर ज़ोर से चिल्लाता है कि आपने जो शिकार पे गोली चलाई थी ना वो मर गया, अभी वो मिल भी गया। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। खचड़ा मतलब क्या? मूर्ख। के सब डिप्टी साहब है ना, उसका ये आदमी है और ये बहुत ही मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट, मतलब अभी रुक जाओ, चुप करो। प्रियोदा ने ये इब्राहिम को रोक दिया, बोला चुप। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या गलती? इन लोगों के दल में एक नियम है कि कोई भी किसी के साथ दुर्व्यवहार में गाली गलौच नहीं कर सकता और अपशब्द नहीं बोल सकता। तो लेकिन ये इब्राहिम से बार बार ये गलती हो जाती है और इनके दल में ऐसा रूल बनाया गया है कि 10 बार अगर आप किसी चीज़ की गलती करो उसके बाद आप इस दल में नहीं रह सकते, बराबर। जैसे कि हमें पता है कि श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ करने का एक वचन दिया था उसकी माँ को, लेकिन उसके बाद शिशुपाल को सज़ा भी दी थी उन्होंने। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो प्रियोदा है उसने एक नियम बनाया है कि आप 10 बार गलती कर सकते हो, उसके बाद आपको दल से निकल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ये रहा। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब प्रियोदा ने बोला ना हॉल्ट, तब दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने अभी वो वापस वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तभी सब हंस पड़े कि तेरे को अभी तो प्रियोदा ने मना किया और वापस तो वही बोल रहा है। इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, प्रियोदा बोलता है कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मतलब हम तुझे छोड़ देंगे। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? मतलब सरकारी ऑफिसर को तो गाली देने में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, वो लोग काम ही ऐसा करते हैं। हमारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा क्या बोलता है कि हमारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को
नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात देरी से बुझता है, मतलब बुझना मतलब यहाँ पे क्या मतलब लेना है आपको कि यहाँ पे प्रियोदा को उनके दल का एक सदस्य समझा रहा है कि प्रियोदा ये जो इब्राहिम है उसके साथ आप वाद विवाद तर्क विवाद नहीं करिए क्योंकि वो गहरी बात देरी से समझता है। बूझता मतलब समझता है, बूझो तो जाने, समझ में आई बात? ऐसा मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई ख़राब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना। बस बात ख़त्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। बराबर, ये धर्मशाला का नाम है। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। क्या बोलते हैं कि ये जो कालू है ना वो मनमोहन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुझे रास्ते में डर लगेगा, चल मैं तुझे पहुँचा दूँ, मतलब घर छोड़ के आऊँ। तभी प्रियोदा ये सुन लेता है। प्रियोदा बोलता है, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा कहता है कि मैं उसे घर पे छोड़ के आऊँगा, तू अपने घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। रास्ते में प्रियोदा ने मनमोहन से बात कुछ करी नहीं और चुप ही रहे, और एक सुनकार जगह थी वहाँ पे आके रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान, ऐसा वहाँ का दृश्य था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कई मुर्दों की चीर फाड़ होती है। क्या बोला कि एक मकान था खंडर जैसा, वहाँ इशारा करते हुए उन्होंने मनमोहन को बोला कि तुझे पता है कि यहाँ पे कई मुर्दों मतलब जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनकी चीर फाड़ होती है, उनका ऑपरेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है। ये पोस्टमार्टम हाउस था, इसीलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसीलिए लोगों को ये डर है कि इसके आजू बाजू में जो पेड़ है वहाँ पे भूत पिशाच की आवाज़ आती है, किलकिल करते हैं मतलब आवाज़ आती है। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? क्या बोलते हैं कि इसके मैदान में बहुत सारी प्रेतनियाँ डांस करती हैं, अभी तेरे को डर लग रहा है, अकेले यहाँ आ सकते हो? ऐसा पूछ रहा है यहाँ पे प्रियोदा। तो मनमोहन क्या बोलता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। क्या कहते हैं यहाँ पे प्रियोदा कि भूत प्रेत आदि जो है वो ऐसे अच्छे व्यक्ति को नहीं तंग करते जो 10 अच्छे काम करते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत कभी भी तंग नहीं करते हैं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मेरे गुरु महाराज ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। मतलब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि हम जो सेवा का काम कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छा काम है, वो खुद ही एक भूत समान, मतलब सभी जगह पे अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सके ऐसा होता है, तो आपको भूत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना ऐसा वाला जो तुमने गाया था वो गाना शुरू करो। इतने में मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई दिल को सच्चा रखना जी, ऐसा करो। और यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे सीखने को मिला कि कैसे प्रियोदा मनमोहन को डरने से मना करता है किसी भी चीज़ से। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मीनिंग्स मुहावरे ये सब लिख के ये पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 मतलब 7 तक पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करके मेरे को आपको नेक्स्ट थर्सडे तक चेक करवा देना है, नेक्स्ट थर्सडे तक। ओके, थैंक यू सो मच।